हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंस्पिरेशन आर्ट्स। मैं हूं सौरभ सर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लाया हूं एक डिफरेंट टाइप की वीडियो। मोस्टली मैं क्या करता हूं, घर में जाके पेंटिंग करता हूं, लेकिन आज ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि आज यहां पर मैं आउटडोर में हूं और यहां पर आज मैं दिखाऊंगा आपको कि आउटडोर में मैं किस तरीके से अपनी पेंटिंग्स को करता हूं और किस तरीके से मैं एक सीन को कैप्चर करता हूं। तो यहां पर आप सबसे पहले मैं पूरा सीन आपको अच्छे से दिखा देता हूं ताकि आपको एक पूरा पिक्चर मिल जाए। उसके बाद हम सारे पेंटिंग के सेटअप्स दिखाएंगे। मैंने पेंटिंग पहले से स्टार्ट कर दी है लेकिन फिर भी आज आपको कुछ नया दिखने वाला है। तो कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर आज आप मेरा कैनवस देख ही सकते हैं, काफ़ी काम हो चुका है यहाँ पर। एक्चुअली हमने 2 वीक्स से आके सारा काम ऑलमोस्ट कर लिया है लेकिन काफ़ी सारा काम बाकी भी है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि ये पेड़ के एरिया और ये ज़मीन के एरिया बाकी है। तो इसके साथ साथ कुछ और फाइनल डिटेल्स करेंगे, उसके बाद ऐसे पेंटिंग हमारा कम्प्लीट हो जाएगा। मैं भी शायद 2-3 दिन लग सकता है लेकिन फिर भी देखते हैं कितनी जल्दी ये कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए इसके साथ मैं सेटअप स्टार्ट कर देता हूँ और पेंटिंग भी स्टार्ट कर देता हूँ। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि अभी मैंने जो पेड़ है उसको बनाना स्टार्ट कर दिए। तो ये जो पेड़ है इसमें जो टेक्सचर्स है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सारे जो टेक्सचर्स है पेड़ के उसको मैंने पैलेट नाइफ का यूज़ करके दिया है क्योंकि मैं इसको लाइव कर रहा हूँ ये वाले पेंटिंग को। तो पैलेट नाइफ का यूज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा किया है नॉर्मल से, और क्योंकि काफ़ी सारे डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं जो कि आपको रियल लाइफ में देखने को मिलते हैं, जो कि आप अगर फोटोज़ में देखें तो उतने ज़्यादा टेक्सचर्स आपको मिल नहीं सकते जितने एक्चुअली में हमारे रियल वर्ल्ड में होते हैं। और जो कलर्स होते हैं वो भी फोटोज़ में डिफरेंट आ जाते हैं, तो उसके हिसाब से हमें अपने पेंटिंग को बनाना होता है। जब हम यूज़ करेंगे बोल्ड टेक्सचर्स और उसके साथ साथ बोल्ड पेंट्स को, तो आप अच्छे से एक 3-डायमेंशनल फॉर्म को निखार के ला सकते हैं और पेंटिंग में भी एक 3-डायमेंशनल एक्सपेक्ट आएगी, जो कि मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगा जब मैं आपको पेंटिंग को अच्छे से दिखाऊँगा और उसके सारे जो न्यूआंसेस है, जो सारे इफ़ेक्ट्स है, उसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो अभी इस वक्त जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं बस पेंटिंग को कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ नेचर को, उसके साथ साथ सारे कलर्स को अप्लाई करते जा रहा हूँ। तो इसी प्रोसेस का यूज़ करके हम इसको बना रहे हैं। तो पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था मेरे लिए क्योंकि ऑयल में ये मेरा पहला आउटडोर था, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मैंने सीखा इससे। काफ़ी टाइम में काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग भी था क्योंकि कई चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही थी कि मैं कैसे पेंट करूँ या फिर कैसे अप्लाई करूँ, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे करते जाते हैं तो वो सब आप फिगर आउट कर लेते हैं। लेकिन जो सीन था काफ़ी अच्छा, पीसफुल एक सीन, तो वो काफ़ी कामिंग एक्सपीरियंस, काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैं बिल्कुल आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको करते रहिए लाइव भी। तो इसके बाद मैं अपने घर चला गया और उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ और डिटेल्स करने थे, जो कि जैसे कि जो फिगर्स है उसको मुझे बनाना था। तो फिगर्स मैंने वहाँ पर देखा था, जो कि मैंने आपको वो वीडियो में दिखाया भी था, वो आपने देखा होगा। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्शन था और काफ़ी ज़्यादा एक फ़्लो था जो कि इस सीन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उस लाइव फॉर्म में वो बना पाता। और क्योंकि मैंने ये पिक्चर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बनाई है तो मुझे वो फिगर भी थोड़ी सी डिटेल में चाहिए होती, तो इसीलिए मैं इसको अपने घर में आके बना रहा हूँ। तो आप भी अगर स्टूडियो में आके अपने पेंटिंग में कुछ चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हैं, जो कि वो वहाँ पर लाइव पॉसिबल ना हो, इस जैसे कि ये फिगर्स मैं बना रहा हूँ। तो ये
फिगर्स के जो पोजीशन से उसको मैंने पहले स्केच कर लिया था, तो जो जो पोजीशन से उसको मैंने अपने डिफरेंट स्टाइल के हिसाब से और डिफरेंट पोजीशन और कंपोजिशन के हिसाब से मैंने चेंज कर लिया। ऐसा कोई नहीं है कि मैंने एक सिंगल पिक्चर से उसको कर लिया, क्योंकि फिर हमेशा नेचुरली हमें एक अच्छा कंपोजिशन नहीं मिलता। कभी कभी काफ़ी अच्छा कंपोजिशन मिल जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं मिलता। तो इसलिए मैंने क्या किया, कई सारे फ़ोटोज़ भी यूज़ किए कलर के शेड्स और डायरेक्शन को देखने के लिए, लेकिन मेनली मैंने अपने स्केचेस से अपने फिगर को पोज किया और उसको ऐसे बिठाए। मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा डिटेल में बना रहा हूँ, उतना ज़्यादा डिटेल में बनाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मुझे अच्छा लगता थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करना, तो उसके लिए मैंने फिगर्स को भी काफ़ी अच्छे से डिटेल में बनाया। तो ये सब ऐड करने के बाद और सारे फाइनल जो डिटेल्स है उसको मैंने फिर लाइव में भी जाके एक्सपीरियंस किया, और उसके हिसाब से ही मैंने इसके फील को देने की। मैं पेंटिंग हो चुका है कंप्लीट। मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले इस पेंटिंग को बनाने के लिए, ऑलमोस्ट 2 to 3 weeks हो गए थे आउटडोर में इस पेंटिंग को बनाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था बार बार जाना और उस जगह पर स्पॉट पे बैठ के उसको करना, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया। तो मैंने जब आपको वीडियोस दिखाई उस जगह पे जहाँ पे मैं लाइव बना रहा था, तो उसमें मैं पेंटिंग को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि ये ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, तो मैं आपको प्रोसेस नहीं बता रहा था कि किस तरीके से मैं बना रहा हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा था, तो इसके लिए मैंने उस एरिया की आपको वीडियोस दिखाई जहाँ पर मैं उसको पेंट कर रहा था। तो इसके बाद यहाँ पर मैं अपने घर में हूँ, और इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से मैंने इसमें सारे ब्रश इफ़ेक्ट्स को दिखाए। मैं आपको डिटेल में सारे इफ़ेक्ट्स दिखा रहा हूँ और आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, और कुछ टिप्स आपको देने की कोशिश करूँगा, ताकि आप अगर नेक्स्ट टाइम ट्राई करें लाइव पेंटिंग करना, कुछ कोई एक बड़ी पेंटिंग लाइव करना, तो आप क्या क्या माइंड में रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पूरी पेंटिंग अभी दिख रही होगी कंप्लीशन के बाद, तो क्योंकि ये वीडियो मोड है और उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं आ पाती वीडियो में फ़ोटोज़ मेरे फ़ोन में, तो आपको दिख रही होगी ये पेंटिंग, लेकिन पूरी डिटेल शायद नहीं दिख पा रही होगी, लेकिन मैं फ़ोटो एंड में डाल दूंगा ताकि आपको पूरी डिटेल में ये दिख पाए। तो यहाँ पर मैं अभी इसको क्लोज ले जाके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने टेक्सचर्स का यूज़ किया है इस पेंटिंग में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ट्रीज़ का टेक्सचर है वो मैंने पूरी तरीके से पैलेट नाइफ से दी है। काफ़ी बोल्ड टेक्सचर आपको दिख रही होंगी, अभी भी उठी हुई है, ये पूरी तरीके से सूख गई है ऑयल पेंट, लेकिन फिर भी काफ़ी बोल्डली ये आपको उठी हुई है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ऐड करती है अपनी पेंटिंग में, और उसके साथ साथ एक अच्छा सा लुक देती है अपनी पेंटिंग को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड में मैंने जो लीव्स वहाँ पर गिरी हुई थी, जो डर्ट था, और जैसे वो गिरा हुआ था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर पैलेट नाइफ का यूज़ करके यहाँ भी, लेकिन थोड़े डिफरेंट शेप्स के साथ कलर को एप्लीकेशन किया है। और जो यहाँ पर मैंने वाटर के साइड का जो एज है उसको भी मैंने पैलेट नाइफ से किया है, और उसका रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ जस्ट। और यहाँ पर आप वाटर देख सकते हैं, वाटर में मैंने ज़्यादातर ब्रश का यूज़ किया है, लेकिन फिर भी जो वाइट हाइलाइट्स है उसको ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर पैलेट नाइफ का यूज़ किया। और इसके बाद यहाँ पर आप जैसे कि क्लोज जब आप जाएंगे तो देख सकते हैं कि जो ये जो यहाँ पर जो पत्ते पानी के ऊपर होते हैं कचूरी पान है, तो उसको जब मैंने किया है तो वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल दूर से दिखते होंगे, लेकिन जब हम उसको क्लोजली जाके देखते हैं तो वो भी जस्ट पैलेट नाइफ के कुछ इम्प्रेशंस ही है, और ज़्यादा कुछ डिटेल ब्रश से नहीं किया हुआ है। और यहाँ पर जो ट्रीज है, जो दूर के ट्रीज है, वो भी मैंने ज़्यादातर पैलेट नाइफ से ही की है, और उसके बाद मैंने ब्रश से उसके ऊपर थोड़ा सा वॉश किया ताकि वो थोड़े से दूर के नज़र आए। ये मेरी एक थोड़ी सी वीकनेस है कि मैं ज़्यादा डिटेल बना देता हूँ तो फिर जो दूर की चीज़ है वो दूर नहीं दिखते, लेकिन फिर भी मैंने जब इसके ऊपर वॉश किया तो ये काफ़ी ज़्यादा दूर दिखने लगा। और मैंने आपको पहले बताया था कि जो नेचुरल कलर है वो आपको कभी भी फ़ोटो में नहीं मिल सकता, कैमरा में नहीं मिल सकता, आपको देख के ही लगना चाहिए। और इस फ़ोन में भी जैसे आप देख सकते हैं कि
जो मेरे ग्राउंड का एरिया वो ज़्यादा ही आपको थोड़ा सा रेडिश दिख रहा होगा, लेकिन इतना रेडिश नहीं है एक्चुअली में। जब आप पेंटिंग को देखेंगे तो उतना ज़्यादा रेडिश नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली में उतना ज़्यादा रेड यूज़ नहीं किया, लेकिन कैमरास में कभी कभी उन सब चीज़ में गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। जैसे कि जब भी हम एक पेंटिंग को बनाए तो उसकी एक थ्री डायमेंशनल फॉर्म हम निकालते यूजिंग शेडोज, एम्बियंस, ह्यूज एंड कलर्स, बट उसके साथ साथ एक पेंटिंग में भी एक थ्री डायमेंशनल एक होती है कि ये थ्री डायमेंशनल पेंटिंग किस तरीके से बने। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो सबसे दूर वाला एरिया है यानी कि जो स्काई है, तो स्काई को मैंने पूरी तरीके से ब्रश से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ करने की कोशिश की है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथली ब्रश चलाया है, और आपको कोई भी ब्रश के स्ट्रोक्स कम ही दिख रहे होंगे। और जैसे जैसे मैं क्लोज आते जाता हूँ उतने ज़्यादा स्ट्रोक्स दिखने लगते, उतने ज़्यादा थिकली मैं पेंट को अप्लाई कर रहा हूँ। स्काई काफ़ी ज़्यादा थिनली मैंने अप्लाई किया है, उसके बाद जो यहाँ पर जो पेड़ है, जो पेड़ आपको दिख रहे होंगे, उसको मैंने उससे थोड़ा ज़्यादा थिक किया है। और उसके बाद मैंने जो ये एरिया को किया है तो ये भी मैंने काफ़ी ज़्यादा थिक किया है इस एरिया से। तो उससे क्या होगा, एक डायमेंशन अपने आप क्रिएट होता जाएगा कि वो दूर है और ये पास है। तो इसी कारण के वजह से मैंने यहाँ पर पानी में भी पैलेट नाइफ का यूज़ करके थिक वाइट्स डाले, ताकि जो वो दूर के पत्ते हैं वो दूर ही लगे और ये पानी जो कि एक्चुअल में हमसे क्लोज है वो क्लोज लगे। और इसके वजह से हम जब यहाँ पर आते हैं, जो ग्राउंड और पेड़ की तरफ आते हैं, पानी और बाकी लैंडस्केप के मुकाबले ये हमसे काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। तो मैंने ज़्यादातर ये सारे काम पैलेट नाइफ से ही किए, जो ये ग्राउंड का एरिया है और जो पेड़ के एरिया है। जो आप पत्ते देख सकते हैं, ये पत्ते में जो मैंने इफ़ेक्ट्स यूज़ किया है पैलेट नाइफ का यूज़ करके, और ब्रशेस का भी मैंने यूज़ किया एक बेस टोन के लिए, उसके ऊपर मैंने पैलेट नाइफ से अच्छे से सारे पत्तों को बनाने की कोशिश की। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है हमें हर एक पत्तों को बनाने में, और सब में लाइट्स डिफरेंट ऑब्जर्व करने में और पुट इन करने में। तो धीरे धीरे जब आप इसको पुट इन करते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से आपको इफ़ेक्ट देने लगता है। तो इसीलिए जो यहाँ पर जितने थिक मैंने पेंट का एप्लीकेशन किया है इस ग्राउंड एरिया पे, उससे कम थिक मैंने ये वाले एरिया पे अप्लाई किया है। तो इससे पता चलेगा कि ये पास है और वो दूर है, वो वैसे कलर से और पर्सपेक्टिव का यूज़ से वो पता चल ही जाते हैं, वो उतना कुछ मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी एक और डायमेंशन ऐड करना चाहते हैं, अपनी पेंटिंग को और ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्सचर का भी। तो इसी तरीके से मैंने इस पेंटिंग को बनाने की कोशिश की, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी था इस पेंटिंग को बनाने के लिए रियलिस्टिक, क्योंकि मैंने कहा आपको कि मेरा पहला ऑयल में था बड़ा पेंटिंग, छोटे छोटे मैंने लाइव किए हैं कई सारे, लेकिन बड़ा टाइम कंज्यूमिंग ये पहला था। तो आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको अच्छा लगा होगा मेरे साथ इस पेंटिंग के जर्नी को देखने के लिए। तो ऐसी और वीडियोस मैं डालते रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो अगर आप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दीजिए। थैंक यू एंड गुड बाय।